आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिंथेटिक ऑक्सीजन करियर मॉडल कंपाउंड्स। अभी तक जितना हमने पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, तो वहां पे हमने देखा कि हमारे पास ऑक्सीजन करियर जो प्रोटीन्स था उसमें हमने हेमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा, ऑक्सीजन स्टोरेज प्रोटीन में मायोग्लोबिन के बारे में पढ़ा, फिर हमने हिम एर्थ्रिन के बारे में पढ़ा, ये भी हमारा ऑक्सीजन करियर प्रोटीन था। और इसके बाद लास्ट पे हमने हीमोसायनिन के बारे में डिस्कस किया था। तो ये जो चार प्रोटीन्स हैं, चार में से आपका हीमोग्लोबिन, हिम एर्थ्रिन, हीमोसायनिन ऑक्सीजन करियर प्रोटीन के ऑक्सीजन कैरी करने का काम कर रहे थे, और जो अपना मायोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन स्टोरेज का काम कर रहा था। अब अगर हम इन चारों में कॉमन देखें तो ये सब क्या है, नेचुरल है। ठीक है, ये नेचुरल है, ये नेचर ने ऑलरेडी बॉडी में हमारे मैकेनिज्म ऐसा कुछ बनाया था कि इन चारों को, या अगर हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की बात करते हैं तो हायर एनिमल्स या ह्यूमंस में हिम एर्थ्रिन में देखा, कुछ इनवर्टेब्रेट्स में हिम एर्थ्रिन प्रेजेंट है, और कुछ जैसे कि हमारा मोलास्कस हुआ, आर्थ्रोपोडा में हमारा हेमोसाइनिन जैसा ऑक्सीजन करियर प्रोटीन एज ए काम कर रहे थे। और ये सब क्या था, ये सब हमारा ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन था और नेचुरल ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन थे। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर ये जो जितने नेचुरल ऑक्सीजन स्टोरेज एज वेल एज ऑक्सीजन करियर प्रोटीन है, उसके अलावा भी क्या हम सिंथेटिकली या मैन मेड जो कि आपका लेबोरेटरी में बना सकते हैं, ऐसा कोई आपके पास सिंथेटिक ऑक्सीजन कैरियर मॉडल्स हैं या नहीं है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका ये नेचुरल जो ऑक्सीजन कैरियर्स प्रोटीन है वो अगर फंक्शन न करे तो क्या हमारे पास कोई अल्टरनेट सिंथेटिक या ह्यूमन मेड ऑक्सीजन कैरियर मॉडल प्रोटीन मॉडल प्रेजेंट है या नहीं है। तो इस टॉपिक को हम डिवाइड करेंगे तीन ग्रुप में। सबसे पहला हमारा होगा सिंथेटिक ऑक्सीजन करियर मॉडल्स ऑफ आयरन, क्योंकि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन या हेमेरथ्रिन में अगर हम देखें तो तीनों में हमारा आयरन एज एन एक्टिव सेंटर प्रेजेंट रहा था, कि जो हमारा ऑक्सीजन जो था वो बॉन्ड हो रहा था आयरन के साथ। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिंथेटिक ऑक्सीजन करियर मॉडल्स ऑफ कोबाल्ट, और ये जो कोबाल्ट का जो कंपाउंड्स है वो मोस्टली स्टडीड कंपाउंड्स है, क्योंकि अगर हम मेटल एंजाइम्स की बात करते हैं तो मैक्सिमम में हमारा कोबाल्ट प्रेजेंट रहते हैं, और यहाँ से साइंटिस्ट का इंटरेस्ट प्रोड्यूस होता है कि अगर हम कोबाल्ट के कंपाउंड को देखा जाए कि वो इज ए सिंथेटिक ऑक्सीजन कैरियर मॉडल के मॉडल का काम कर सकते हैं या नहीं। और लास्ट में हम देखेंगे, जैसे कि हमने हिमोसाइनिन में देखा था कि वहां पे हमारा कॉपर प्लस टू इज एन एक्टिव सेंटर प्रेजेंट है, तो हम देखेंगे कि कोई भी आपका कॉपर का कंपाउंड या सिंथेटिक कंपाउंड इज एन ऑक्सीजन कैरियर मॉडल या ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो सकता है या नहीं, तो हम इसके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे सिंथेटिक या ऑक्सीजन कैरियर मॉडल्स ऑफ कॉपर। ये तीनों जो मेटल एटम्स है मेनली हाईली स्टडीड मेटल्स एटम है फॉर द ट्रांसपोर्ट एज वेल एज स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन। तो इन तीनों सब टॉपिक्स को आज हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन इन टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमें पहले ये देखना होगा कि जो हमारा ऑक्सीजन है और जो हमारा मेटल के बीच में क्या इंटरेक्शन, जो हमारे नेचुरल जैसे कि हेमोग्लोबिन हुआ, हेमायोग्लोबिन हुआ, हिम एर्थ्रिन या हिमोसाइनिन में ऑक्सीजन और मेटल आयंस के बीच में कैसा इंटरेक्शन प्रोड्यूस होता है या किस टाइप का इंटरेक्शन मेटल और ऑक्सीजन के बीच में करता
प्रेजेंट रहता है। तो ये सिंथेटिक ऑक्सीजन कैरियर मॉडल्स या सिंथेटिक ऑक्सीजन स्टोरेज मॉडल कंपाउंड्स क्या होगा कि इसमें हम ये देखेंगे कि कैसे आपका मेटल कॉम्प्लेक्स जो कि ह्यूमन मेड हो, सिंथेटिक हो, उसको हम कैसे कितना यूटिलाइज कर सकता है फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन। इसमें हम ये देखेंगे कि हाउ मेटल कॉम्प्लेक्सेस कैन बी इफेक्टिवली utilized in transport and storage of oxygen। हम देखेंगे कि कैसे हमारा मेटल जो कॉम्प्लेक्सेस है उसको हम फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब यहां पे मेटल कॉम्प्लेक्स और ऑक्सीजन, यूजुअली बहुत सारे मेटल कॉम्प्लेक्स ऑक्सीजन के साथ इंट्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं या मेटल और ऑक्सीजन के बीच में इंट्रैक्शन होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है कि इन मेटल जो कॉम्प्लेक्सेस को हम क्यों यूज नहीं कर पा रहे हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन। तो मैक्सिमम जो आपका मेन जो मोस्ट कॉमन मोड ऑफ रिएक्शन है बिटवीन मेटल कॉम्प्लेक्स एंड ऑक्सीजन या ट्रांसेक्शन मेटल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वहां जो ही आपका मेटल कॉम्प्लेक्स और ऑक्सीजन के बीच में इंटरेक्शन प्रोड्यूस होता है और ऑक्सीजन के बीच में जब इंटरेक्शन प्रोड्यूस होता है तो यहाँ पे क्या होता है, मेटल का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। मेटल का मेनली ऑक्सीडेशन होता है। तो जब मेटल का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होते हैं तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन जो है रिवर्सिबली बाइंड नहीं हो पाता है, डस नॉट बाइंड रिवर्सिबली। अब इसका मतलब क्या है, डस नॉट बाइंड रिवर्सिबली का मतलब यह है कि आपका जो ऑक्सीजन है अगर मेटल कॉम्प्लेक्स में मेटल के साथ अगर बाइंड हो रहा है तो बाद में ये यहाँ से रिलीज नहीं हो पाता है इन द फॉर्म ऑफ डाई ऑक्सीजन। अब इन द फॉर्म ऑफ डाई ऑक्सीजन जब रिलीज नहीं होगा तो आपका क्या होगा, एक तो ऑक्सीजन डाई ऑक्सीजन के फॉर्म में नहीं रहेंगे, फिर आपका जो अवेलेबल ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सीजन के फॉर्म में नहीं रहेंगे। लेकिन कुछ मेटल्स कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जो कि मेटल और ऑक्सीजन के बीच में कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं विदाउट अंडरगोइंग एनी इरिवर्सिबल ऑक्सीडेशन, कि यहाँ पे ना कि मेटल ऑक्सीडाइज होता है ना आपका डाइऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होता है। तो यहाँ पे मेटल और ऑक्सीजन के बीच में जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं उनको हम कहते हैं एडक्ट। क्या कहते हैं, एडक्ट मीन्स यहाँ पे आपका कोई केमिकल इंट्रैक्शन नहीं होगा बिटवीन मेटल एंड डाइऑक्सीजन, मेटल और डाइऑक्सीजन के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल इंट्रैक्शन नहीं होगा, मीन्स यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा बिटवीन मेटल एंड डाइऑक्सीजन। तो इसीलिए हम इनको कहते हैं एडक्ट। तो कुछ मेटल कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जो कि डेलिकेट बैलेंस बना लेते हैं बिटवीन द मेटल एंड द डाइऑक्सीजन, सो इट लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एडक्ट। तो ऐसे मेटल कॉम्प्लेक्सेस जहां पे आपका मेटल और डाइऑक्सीजन का जब इंट्रैक्शन हो जाते हैं तो वहां पे आपका क्या रहता है, कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होते हैं, तो ऐसे आपका मेटल कॉम्प्लेक्सेस such type of metal complexes which can be effectively utilized in transport and storage of oxygen
are often known as ऑक्सीजन कैरियर। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें आप यहाँ पे आपका मेटल और ऑक्सीजन के बीच में ओनली एडॉक फॉर्मेशन होता होगा, यहाँ पे कोई ज्यादा रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रहा होगा मेटल और ऑक्सीजन के बीच में, जहां पे आपका ऑक्सीजन क्या होगा रिवर्सिबली बाइंड होगा। कंडीशन क्या होना चाहिए, रिवर्सिबली बाइंड होना चाहिए ऑक्सीजन मेटल के साथ, मेटल कॉम्प्लेक्स के मेटल के साथ, तभी आपका क्या होगा ऑक्सीजन मेटल के साथ बाइंड होंगे और एक जगह जाके वो वहां से रिलीज होंगे। तो ऐसे मेटल कॉम्प्लेक्स जहां पे जो कि आप इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकता है फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन आर ऑफन नोन एज सिंथेटिक ऑक्सीजन कैरियर मॉडल्स, या आप इसको सिंथेटिक ऑक्सीजन कैरियर्स कह सकते हैं कि जहां पे आप उसको ऑक्सीजन बाइंडिंग एज वेल एज ऑक्सीजन रिलीज के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो अगर हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि आपका एक यहाँ पे कैरियर है, ये वाला कैरियर, और आपका O2 है डाई ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में एडक फॉर्मेशन होंगे, तो यहाँ पे आपका ऐसा एडक एक बन जाएंगे कैरियर प्लस O2। तो ये आपका मेटल कॉम्प्लेक्स है जो कि आप इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ डाई ऑक्सीजन। जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो यहाँ पे आपका कैरियर और ऑक्सीजन के बीच में एडक फॉर्मेशन होगा, और ये वाला कॉम्प्लेक्स आप पॉसिबली यूज कर सकते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हो गया कुछ इंट्रोडक्शन कि आपका सिंथेटिक ऑक्सीजन कैरियर मॉडल्स कंपाउंड क्या होता है और वो किस एप्लीकेशन में काम आता है, कि उसका मेन जो एप्लीकेशन क्या होगा। नेक्स्ट हमारा जो पहला मॉडल होगा वो होगा हमारा सिंथेटिक, पहला जो मेटल एटम है जिससे हमने कहा था आयरन। तो पहला जो सब टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा सिंथेटिक मॉडल FE। अब ये जो आयरन का सिंथेटिक कॉम्प्लेक्स बनाने का मकसद क्या है, तो हमने देखा कि मेनली जो ह्यूमन बॉडी में है एनिमल्स में हमारा जो ऑक्सीजन स्टोरेज एज वेल एज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का जो काम करता है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, दोनों में जो एक्टिव सेंटर है वो क्या है हमारा आयरन है। तो रिसर्चर्स ने ये कोशिश किया कि भाई जो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में जो आयरन है उसको हम उसकी जो फंक्शन को हम मिमिक करने की कोशिश करेंगे सिंथेटिक मॉडल कंपाउंड्स में, या ट्रांसेक्शन मेटल कॉम्प्लेक्स में हम हमारे जो हीमोग्लोबिन है और मायोग्लोबिन है इनकी फंक्शंस को मिमिक करने की नकल करने की कोशिश करेंगे। तो लोगों ने बहुत कोशिश किया कि हम आयरन और ऑक्सीजन के बीच में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देखेंगे, कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है और वो क्या ऑक्सीजन करियर का या ऑक्सीजन स्टोरेज का काम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। लेकिन जितने भी लोगों ने आयरन और ऑक्सीजन जो आयरन कॉम्प्लेक्स और ऑक्सीजन के बीच में जब लोगों ने इंटरेक्शन देखना स्टार्ट किया सिंथेटिक मॉडल कंपाउंड्स में, तो वहां पे आयरन और ऑक्सीजन के बीच में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता था वो सब क्या था आपका यहाँ पे आयरन और ऑक्सीजन के बीच में इरिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन मैक्सिमम जो लोगों ने रिसर्चर्स ने जहां पे स्टडी करना स्टार्ट किया तो वहां पे उनको पाया गया कि जो आयरन और ऑक्सीजन के बीच में कॉम्प्लेक्स जो फॉर्मेशन होता है वो इरिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। मीन्स
ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है यहाँ पे मेटल और ऑक्सीजन के बीच में, तभी यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन बाइंड आयरन के साथ तो हो रहा है, लेकिन इरिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है, वो वहां से फिर रिलीज नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे जो आयरन और ऑक्सीजन के बीच में जो कॉम्प्लेक्स बन रहा था वो ऐसा कुछ म्यू ऑक्सो आयरन थर्ड ऑक्सीजन आयरन थर्ड कॉम्प्लेक्स, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स बिटवीन आयरन एंड ऑक्सीजन के, आयरन कॉम्प्लेक्स और ऑक्सीजन के बीच में ऐसा कुछ रिएक्शन देखने को मिला लोगों को। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि आपका जो ऑक्सीजन इस आयरन के साथ कंबाइन हो रहा है वो रिवर्सिबल फॉर्म में नहीं है, मीन यहाँ पे ये आयरन को ऑक्सीडाइज करके फिर ये वाला ऑक्सीजन जो है वो परमानेंटली इस आयरन के साथ कंबाइन हो जाते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिवर्सिबल फॉर्मेशन में नहीं होता है। तो उसको हम अगर हम इक्वेशन फॉर्म में लिखें तो ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स बनते हुए लोगों को नजर आया बिटवीन आयरन कॉम्प्लेक्स। ये आपका आयरन है एलेन, मीन्स यहाँ पे एन जो है आपका नंबर ऑफ लिगेंड्स है, तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं एफ एल एन, ये नंबर ऑफ लिगेंड्स, और ये जब ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्शन शो करते हैं तो ऐसा कॉम्प्लेक्स लोगों को देखने को मिला एन माइनस एल एफ ई ऑक्सीडाइज होंगे थर्ड में, ओ एफ ई थर्ड एल एन माइनस वन प्लस टू एल एन। तो ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा था बिटवीन आयरन कॉम्प्लेक्स और ऑक्सीजन के बीच में। अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए लोगों ने फिर रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया, और रिसर्च करते करते 1970 में लोगों ने नया एक सिंथेटिक अप्रोच अप्लाई किया कि यहाँ पे जो आयरन और ऑक्सीजन के बीच में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है जो कि ऑक्सो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है उसको क्या करेंगे, हम अवॉइड करेंगे, इसको हम बनने नहीं देंगे। तो 1970s में जो हमारा रिसर्चर्स है रिसर्चर्स इन 1970 रिसर्चर्स डिजाइन न्यू सिंथेटिक approaches to avoid the formation of mu oxo iron complexes, ताकि वो क्या कर सके टू फैब्रिकेट सिंथेटिक कैरियर्स। तो ये जो म्यू ऑक्सो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा था बिटवीन ट्रांजिशन मेटल्स एंड ऑक्सीजन के साथ, तो 1970s में रिसर्चर्स ने कुछ नया जो अप्रोच अप्लाई करने की कोशिश किए ताकि वहां पे जो म्यू ऑक्सो फॉर्मेशन होता है बिटवीन आयरन एंड ऑक्सीजन उसको अवॉइड कर सके। तो इसको करने के लिए उन्होंने तीन जो है मेन इंपॉर्टेंट अप्रोच अप्लाई के, तो उसमें से सबसे जो पहला अप्रोच है वो था स्टीरिक हिंड्रेंस का, ठीक है, स्टीरिक हिंड्रेंस का। स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब, तो उन्होंने लिगेंड के साथ ऐसे ऐसे बल्की ग्रुप्स को अटैच करने की कोशिश किए ताकि वहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से ये वाला जो म्यू ऑक्सो डाइमर जो बनता था बिटवीन आयरन वो आयरन के बीच में जहां पे ये जो डाइमर बनता था इसको स्टॉप करने के लिए लोगों ने क्या किया कि जो हमारा लीगेंड जो है इस वाले लीगेंड पे उन्होंने लीगेंड के साथ बल्की ग्रुप को क्या करना सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कर दिया ताकि इस जो लीगेंड पे जब बल्की ग्रुप रहेंगे
ये तो स्ट्रेस की वजह से यहाँ पे जो था यारमर की फॉर्मेशन होता था उसको क्या करने की कोशिश किया लोगों ने, सिटीरिक हिंड्रेंस की वजह से अवॉइड करने की कोशिश किया, तो यहाँ पे इनको कुछ सक्सेस मिलने लगे, कुछ हद तक इनको यहाँ पे थोड़ा सक्सेस मिलने लगा। अब सेकंड जो अप्रोच लोगों ने अप्लाई किया वो था लो टेम्परेचर का, कि उन्होंने क्या किया कि जो रिएक्शन था बिटवीन जहां पे वो रिएक्शन करना चाहते थे आयरन और मेटल, मेटल कॉम्प्लेक्स और ऑक्सीजन के बीच में, उस वाले मीडियम का रिएक्शन को क्या कर दिया उन्होंने, रिएक्शन के टेम्परेचर को बहुत डाउन कर दिया। जब लोगों ने टेम्परेचर को बहुत डाउन कर दिया तो आपका क्या होगा, जब टेम्परेचर डाउन होंगे तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएंगे टेम्परेचर डाउन करने की वजह से। अब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होने की वजह से यहाँ पे डाइमराइजेशन भी क्या होगा, प्रिवेंट होगा। लो टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे ये क्या कर रहा था, प्रिवेंट डाइमराइजेशन, यहाँ पे डाइमराइजेशन या म्यू ऑक्सो फॉर्मेशन को स्टॉप कर रहे थे। ये था उनका सेकंड अप्रोच। और जो थर्ड जो इम्पोर्टेंट जो अप्रोच था वो था सरफेस अटैचमेंट का। कुछ लोगों ने क्या कर दिया कि जो आपका आयरन का जो कॉम्प्लेक्स था ठीक है, उसको किसी हार्ड सरफेस पे उन्होंने क्या कर दिया, उसको अटैच कर दिया। ये आपका अगर आयरन कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, आयरन कॉम्प्लेक्स को ऐसे हार्ड सरफेस पे अटैच कर दिया। अब यहाँ पे जब एक साइड ऑफ आयरन एटम किसी हार्ड सरफेस पे वो जब अटैच करेंगे तो यहाँ पे भी डाइमराइजेशन क्या होगा, नहीं होगा ठीक है। तो इसमें लोगों ने क्या कर दिया, अटैचमेंट ऑफ आयरन कॉम्प्लेक्स ऑन द रिजिड सरफेस प्रिवेंट्स डाइमराइजेशन। तो इस मेथड से भी क्या हो रहा था कि जो आयरन कॉम्प्लेक्स में डाइमराइजेशन हो रहा था वो भी स्टॉप हो रहे थे। तो बहुत सारे लोगों ने टेक्निक्स यूज करे जहां पे कोशिश किया कि यहाँ पे जो डाइमराइजेशन बनता था आयरन का वो उसको क्या कर सके, स्टॉप कर सके। अब क्या साइंटिस्ट को इसमें कुछ सक्सेसफुल या उनका जो अप्रोच था उसमें कुछ सक्सेस मिले या नहीं मिले, तो यहाँ पे जो सबसे जो इम्पोर्टेंट उनको जो सक्सेशन मिला, सक्सेसफुल रिजल्ट मिला वो था आपकी स्टेरिक हेनरेस मेथड में। स्टेरिक हेनरेस मेथड में उनको सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मिला। और यहाँ से फिर उन्होंने क्या कर दिया कि जो पोरफायरिन रिंग्स था ठीक है, पोरफायरिन रिंग्स जो कि हमने देखा हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट थे, उसको क्या कर दिया, इस पोरफायरिन रिंग पे फिर लोगों ने स्टेरिक हेनरेस के थ्रू मॉडिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया, स्टेरिक हेनरेस के थ्रू इस पोरफायरिन रिंग को मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया। और इस मेथड से उनको सबसे ज्यादा सक्सेशन मिला फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स या एडक बिटवीन दिस आयरन कॉम्प्लेक्सेस एंड डाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो जो तीन यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो अटेम्प्ट लोगों ने, रिसर्चर्स ने इस पे कोशिश किया, उसमें से आपका जो सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल सक्सेशन जहाँ पे मिला तो वो था आपका स्टेरिक हिंड्रेज मेथड। आउट ऑफ दिस method to synthesize
एजेंट वर्क आउट ऑफ दिस मेथड टू सिंथेसाइज मॉडिफाइड पोरफायरिन्स स्टेरिक हिंड्रेंस हैज प्रोड्यूस मच मोर एलिजेंट वर्क. तो अब यहाँ पे लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि उन्होंने पोरफायरिन को ही लिया और फिर पोरफायरिन को ही उन्होंने मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया ताकि वहां पे क्या कर सके ऑक्सीजन और आयरन के या जो मेटल कॉम्प्लेक्स है पोरफायरिन मेटल कॉम्प्लेक्स पोरफायरिन आयरन कॉम्प्लेक्स वहां पे क्या कर सके रिवर्सिबल इंटरेक्शन प्रोड्यूस कर सके बिटवीन मेटल एंड मेटल या ट्रांसक्शन मेटल कॉम्प्लेक्स एंड ऑक्सीजन. सो उसको करने के लिए उन्होंने क्या किया तो जो फर्स्ट जो उन्होंने काम किया उन्होंने किया कि भाई हम जो पोरफायरिन रिंग है उसका क्या बनाएंगे उसका हम टेल बेस कॉम्प्लेक्स बनाएंगे. तो उन्होंने क्या कर दिया तो ये आपका पोरफायरिन ऐसा था आपका जो कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में हमने देखा था कि यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयरन एटम और यहाँ से पोरफायरिन रिंग का नाइट्रोजन और आयरन एटम के बीच में इंट्रैक्शन प्रेजेंट है. अब उन्होंने क्या कर दिया कि पहले जो स्टेप था सबसे पहले जो अटेम्प्ट है उन्होंने क्या कर दिया कि यहाँ पे टेल बेस बनाने की कोशिश की है. इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आपका इमिडाजोल रिंग है इस इमिडाजोल का जो दूसरा नाइट्रोजन है वहां पे और ये जो पोरफायरिन रिंग है इन दोनों में इन्होंने क्या कर दिया कोवलेंट इंटरेक्शन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है इसमें क्या कर दिया उन्होंने आपका जो इमिडाजोल रिंग है कोवेलेंटली अटैच आयरन पोरफायरिन कि यहां पे जो नेक्स्ट इमिडाजोल है इस इमिडाजोल के नाइट्रोजन या इमिडाजोल जो अमीनो एसिड्स है वो वहां और इस वाले पोरफायरिन के बीच में उन्होंने क्या कर दिया कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट अटैचमेंट स्टार्ट कर दिया. तो यहां पे उन्होंने सबसे पहला जो काम किया वो था टेल बेस बनाने की कोशिश की. यानी यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन इमिडाजोल रिंग का वहां और इस वाले पोरफायरिन के बीच में टेल बनाना मीन्स यहाँ पे जो एक्चुअल जो आपके हीमोग्लोबिन में जब आपने देखा था कि वहां पे फिर अमाइनो एसिड्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन प्रोड्यूस हो रहे थे उसी को यहाँ पे रेप्लिकेट करने की कोशिश कर दिया कि यहाँ पे जब अगर हम इस पोरफायरिन रिंग और यहाँ पे जो अमीनो एसिड से इमिडाजोल रिंग है इन दोनों के बीच में अगर हम इंटरेक्शन या प्रोड्यूस करें तो इस पे फिर हमारे जो रिवर्सिबल अटैचमेंट ऑफ ऑक्सीजन विद दिस पोरफायरिन रिंग तो उस पे फिर क्या इफेक्ट पड़ता है ऑक्सीजन अटैचमेंट का. ठीक है तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि जब उन्होंने इस टाइप ऑफ इंटरेक्शन यहाँ पे कोवेलेंट इंटरेक्शन प्रोड्यूस किया बिटवीन इमिडाजोल रिंग एंड आयरन पोरफायरिन रिंग तो यहाँ पे उनको मिला कि यहाँ पे सिर्फ 1:1 एडक फॉर्मेशन हो रहा था लेकिन ये वाला भी बहुत लो टेम्परेचर पे ही ये वाला एडक फॉर्मेशन हो रहे थे ओनली 1 लो टेम्परेचर की ये भी यहाँ पे उनको मिला कि यहाँ पे ये वाला 1:1 का मतलब है यहाँ पे आपका ये वाला मॉडिफाइड पोरफायरिन रिंग ठीक है मॉडिफाइड पोरफायरिन प्लस यहाँ पे O2 मींस एक मॉडिफाइड पोरफायरिन के साथ एक ऑक्सीजन का एडक फॉर्मेशन हो रहा था लेकिन ये एडक फॉर्मेशन सिर्फ आपका लो टेम्परेचर पे ही हो रहा था. अब नेक्स्ट एटम उन्होंने किया कि भाई चलो अगर हम टेल बेस फॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ पे आपका रिवर्सिबल इंटरेक्शन तो हो रहा है लेकिन जो रिवर्सिबल इंटरेक्शन है बिटवीन दिस पोरफायरिन एंड ऑक्सीजन वो सिर्फ लो टेम्परेचर पे ही हो रहा था. अब उन्होंने क्या कर दिया नेक्स्ट इसी पोरफायरिन रिंग को क्या कर दिया उन्होंने स्ट्रेप कर दिया. ठीक है ये वाला पोरफायरिन रिंग और आयरन कॉम्प्लेक्स ऐसे थे
तो उन्होंने क्या कर दिया, अब इसमें स्लिप स्ट्रेप्स बना दिया, मींस इसी पोरफायरिन रिंग को उन्होंने क्या कर दिया, किसी हाइड्रोकार्बन चेन के साथ लिंक कर दिया, ताकि इसमें जो आपका मूवमेंट था उसको क्या कर सके, इसमें जो फ्री मूवमेंट होता है पोरफायरिन रिंग में इसको क्या कर सके, स्टॉप कर सके, मींस इसलिए इसको फ्रीली मूवमेंट नहीं होने दिया इस वाले पोरफायरिन रिंग को या पोरफायरिन रिंग आयरन कॉम्प्लेक्स को। फर्दर उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने जो पहला वाला स्टेप में उन्होंने जो काम किया था कि हमने इसको टेल बेस बना लिया था, नेक्स्ट में उन्होंने क्या कर दिया, टेल बेस को ही उन्होंने क्या कर दिया, स्ट्रैप कर दिया, यहाँ पे उन्होंने टेल बेस के साथ इसको भी स्ट्रैप कर दिया, मीन्स इस पोरफायरिन रिंग को क्या कर दिया, फर्दर हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच कर दिया, ताकि यहाँ पे जो पोरफायरिन रिंग आयरन कॉम्प्लेक्स में जो मूवमेंट होता था उसको क्या कर सके, स्टॉप कर सके। अब उन्होंने जब ये कर दिया तो यहाँ पे आपका ये जो स्ट्रेप है, स्ट्रेप किसके साथ किया, विद ए हाइड्रोकार्बन के साथ, एक हाइड्रोकार्बन चेन दिया उन्होंने, तो उसके साथ इस वाले पूरे पोरफायरिन रिंग को स्ट्रेप कर दिया, हाइड्रोकार्बन चेन लिंक के over the face of porphyrin. Which they do not undergo lack of rigidity of chains. तो यहाँ पे उन्होंने जब यहाँ पे टेल बेस के साथ फिर इसको स्ट्रेप करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे भी क्या हो गया था, आपका जो ऑक्सीजन है इस वाले पोरफायरिन मेटल कॉम्प्लेक्स के साथ रिवर्सिबली बाइंडिंग शो कर रहा था, मीन्स यहाँ पे आप ऑक्सीजन इस वाले आयरन के साथ बिल्कुल हीमोग्लोबिन की तरह या मायोग्लोबिन की तरह रिवर्सिबली बाइंड हो रहा था। अब इस जो स्टीरिक हिंड्रेंस पे फर्दर और साइंटिस्ट ने काम करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे उन्होंने देखा कि भाई हाँ यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे हम रिवर्सिबल इंट्रैक्शन शो कर सकते हैं ड्यू टू द production of steric hindrance in these porphyrin iron complexes. तो दो और साइंटिस्ट ने इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया, एक साइंटिस्ट था आपका कॉलमैन एंड दूसरा साइंटिस्ट था आपका बैलविन। इन दो साइंटिस्ट ने फर्दर इस steric hindrance पे, इस porphyrin ring पे काम करना स्टार्ट कर दिया। अब उन्होंने क्या कर दिया, इस वाले पोरफायरिन रिंग को पैकेट फेंस स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, इस वाले पोरफायरिन रिंग को उन्होंने पैकेट फेंस स्ट्रक्चर बना लिया। अब पैकेट फेंस स्ट्रक्चर क्या है, उन्होंने क्या कर दिया, इस वाले जो पोरफायरिन रिंग है, यहाँ पे जो आपका पोरफायरिन रिंग है, इसको उन्होंने क्या कर दिया भाई, एक साइड से उन्होंने, मींस अगर ये अपर साइड है, इसको फॉर एग्जांपल हम अपर साइड मानते हैं, यहाँ पे अपर साइड पे उन्होंने क्या कर दिया, अपर साइड सारे पे उन्होंने बल्कि बल्कि लिगेंड्स को क्या कर दिया, अटैच कर दिया एक साइड पे, और यहाँ पे जो नीचे वाला साइड है उन्होंने इसको क्या कर दिया, खाली छोड़ दिया, ताकि यहाँ पे जो नीचे से आपका ऑक्सीजन आराम से बाइंड कर सके और इस वाले जो बल्कियर ग्रुप है इसकी वजह से आपका जो पोरफायरिन रिंग है वो डाइमराइजेशन नहीं कर सके। तो उन्होंने ऐसे पैकेट फेंस स्ट्रक्चर बना लिया इस वाले पोरफायरिन रिंग पे, और यहाँ पे ये जो ग्रुप है इनको आपका जो आपका इमिडाजोल रिंग है उसको मॉडिफाई करके बल्कियर ग्रुप जैसे कि एन अल्काइल इमिडाजोल ग्रुप से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, क्योंकि यहां पे आपका अभी एन
है, ठीक है, यहाँ पे जो पायरूल रिंग है यहाँ पे फिर उन्होंने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया एल्काइल ग्रुप, ताकि ये वाला जो लिगेंड है वो बल्कियर बन सके, और ये जो पूरा पैकेट फेंस स्ट्रक्चर है उन्होंने अपर साइड, फॉर एग्जाम्पल अगर अपर साइड पे इस तरह फेंस स्ट्रक्चर बना लिया है, तो नीचे वाला साइड उन्होंने क्या कर दिया कि यहाँ पे आपका अभी इमिडाजोल रिंग है, इन्होंने क्या कर दिया इस वाले नीचे वाले साइड को वैकेंट छोड़ दिया, ठीक है, नीचे वाले साइड को उन्होंने अनबटन छोड़ दिया, यहाँ पे कोई बटन नहीं दिया, मीन्स यहाँ पे नीचे वाले साइड पे कोई भी स्टीरिक हिंड्रेंस स्टीरिकली हिंडर, नीचे वाले साइड को उन्होंने खाली छोड़ दिया और अपर साइड को उन्होंने क्या कर दिया इस तरह स्टीरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस कर दिया। अब यहाँ पे जब स्टीरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पे आराम से नीचे साइड से ऑक्सीजन इसके साथ इंट्रैक्शन शो कर रहे थे, और इस स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से इसका जो डाइमराइजेशन जो था, जिसको इनको स्टॉप करना था, वो सक्सेसफुली यहाँ पे स्टॉप हो रहा था। तो ऐसे कुछ लोगों ने बहुत सारे इस पे काम किए, तो वहां पे इनको थोड़ा यहाँ पे इनको सक्सेसफुल रिजल्ट मिलने लगे। फिर फर्दर बेल्डविन ने इस पे फर्दर काम किया और इसको कैप स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है, इस वाले पोरफायरिन रिंग को क्या कर दिया, कैप स्ट्रक्चर बना लिया, ये आपका पोरफायरिन रिंग है। फिर बाल्डविन ने इसके बाद फिर इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया, उस विजुअल पूरे जो अपर साइड को इन्होंने क्या कर दिया इस तरह कैप स्ट्रक्चर बना लिया। फिर यहाँ पे और भी स्टीरिक हेंड्रेस आने लगे, जब यहाँ पे वन साइड पे स्टीरिक हेंड्रेस होने लगे, तो अगले साइड से आपका जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्ट इस आयरन के साथ बाइंड होने लगे, और इस स्टीरिक हेंड्रेस की वजह से यहाँ पे जो आपका डाइमराइजेशन हो रहा था, डाइमराइजेशन हो रहा था, वो क्या हो गए, स्टॉप हो गए। तो ऐसे लोगों ने क्या कर दिया, आयरन को या आयरन कॉम्प्लेक्स को ऑक्सीजन के साथ अटैच कर दिए, ताकि यहाँ पे आपका आयरन क्या हो सके, आराम से रिवर्सिबली बाइंड हो सके इस वाले पोरफायरिन रिंग के साथ, या हम कह सकते हैं मेटल के साथ, कि यहाँ पे मेटल और फिर ऑक्सीजन के बीच में रिवर्सिबल इंट्रैक्शन प्रोड्यूस हो गया। तो यहाँ पे उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया कि यहाँ पे हम ऐसे ट्रिक लगा के आयरन और या आयरन कॉम्प्लेक्स या आयरन मेटल कॉम्प्लेक्स को एज ए सिंथेटिक कैरियर मॉडल बना सकेंगे, या इसको यहाँ से फिर हम सिंथेटिक आयरन स्टोरेज एज वेल एज आयरन कैरियर मॉडल बना सकते हैं। ऐसे यहाँ पे ऐसा कुछ थे कि जहाँ पे